नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अगर आप भारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि भारत का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इन रहस्यों का अनुभव किया हो। भारत के अलग अलग किलों में, मंदिरों में, गाँवों में, झीलों में ऐसे ऐसे राज छिपे हैं, लेकिन इन राज पर से पर्दा अब तक नहीं उठा है और ना ही इन रहस्यों से कोई छेड़छाड़ करना चाहता है, लेकिन जानने की उत्सुकता सब में है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो कि अब तक एक राज है। रहस्यों से भरे मंदिर। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां तहखानों में लाखों टन खजाना दबा हुआ है। इनमें से एक है केरल के श्रीपद्मनाभम मंदिर के 7 तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। उसके 6 तहखानों में से करीब 1,00,000 करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर रोक लगा रखी है, जिसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल आज भी उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने में कि जिसे खोलने से वहां तबाही आने की आशंका जाहिर की जाती है। कहते हैं उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र से बंद है और वो मंत्र से ही खुलेगा। इसके अलावा निधि वन, वृंदावन का एक मंदिर अपने आप ही खुलता है और बंद हो जाता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान कृष्ण रात में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना खाते हैं। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखें तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ रात के समय कोई भी नहीं रहता, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आए हैं, लेकिन रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वो तमाम सांस्कारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अश्वत्थामा एक रहस्य। महाभारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगो युगो तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5,000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। कुछ और भी रोचक तत्व हैं जो आज भी कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरीघाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी भरा करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रमाणिक आज भी कुछ नहीं मिलेगा। समुद्र के नीचे द्वारका का अनसुलझा रहस्य। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारका, इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है कि ये क्या है। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। 2005 में द्वारिकाओं के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे चटे पत्थर मिले और यहां से लगभग 200 अन्य नमूने भी इकट्ठे किए गए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो ये थी कुछ ऐसी जगह जो कि रहस्य से भरी पड़ी हैं, लेकिन ये जानकारी सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर है। तथ्य अब भी समझ नहीं आता है, तथ्य अब भी मौजूद नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।